बाद एक आदमी सड़क पे अंडे बेच रहा था। उसी सड़क पे एक निकम्मा आदमी बैठा था जो कोई काम नहीं करता। तो उस निकम्मे आदमी ने क्या सोचा कि अब मैं इस अंडे बेचने वाले के साथ ही टाइम पास करूँगा। और वो दोनों जो है एक दूसरे से बात करने लगे। और वो जो निकम्मा आदमी है उसने अंडे बेचने वाले को इतना परेशान कर दिया कि थोड़ी देर में ही वो बातें करते करते आपस में झगड़ा करने लगे। और झगड़ा इस हद तक पहुँच गया कि वो जो निकम्मा आदमी था उसने उस व्यापारी के अंडे तोड़ दिए सारे के सारे पकड़ के। तो अब जो मामला था वो पहुंच गया पंचायत में। जो व्यापारी था अंडों का उसने बोला कि उसे तो हर जाना चाहिए क्योंकि उसका नुकसान हुआ है। पंचायत कहती ठीक है हम लोग आपको जो है मुआवजा दिलवा देंगे लेकिन आप बता दीजिए कि आपके कितने अंडे टूटे हैं। तो अब जो व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और बहुत गुस्से में था। तो उसने कहा कि तुम लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि मेरे कितने अंडे थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरी जो टोकरी थी उसमें 150 से ज़्यादा अंडे आ नहीं सकते। और अगर हम सारे अंडों को 5-5 के ग्रुप में गिने तो 4 अंडे पीछे रह जाते थे। 6-6 के ग्रुप में गिने तो 5 अंडे पीछे रह जाते थे। और अगर 7-7 के ग्रुप में गिने तो कोई अंडा पीछे नहीं बचता था। तो अब तुम लोग खुद ही बताओ कि कितने अंडे थे और मुझे मेरा मुआवजा दो। है ना ये रिडल कमाल की। और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं हमारी मैथ की थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा से या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। अपनी इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो क्या कहता था कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी और अगर हम लोग ए को बी से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आर आएगा वो बी से हमेशा छोटा होगा। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और हम लोग इस वीडियो में अब उसको प्रूफ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस मिलती रहे। चलिए तो अब देखते हैं कि उस व्यापारी के पास कितने अंडे थे। तो अब देखिए उसने सबसे पहले क्या कहा कि अगर हम लोग 5-5 की जोड़ी में अंडे लें तो पीछे 4 बच जाते हैं। तो मान लीजिए कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो एग्स थे वो थे ए और अगर वो 5-5 की जोड़ी में अंडे लेता है तो पीछे बचते थे 4 की बात उसने क्या बोली कि अगर हम लोग 6-6 की जोड़ी लें तो पीछे बचते हैं हमारे तो पीछे बचते हैं हमारे 5 एग्स। और अगर हम लोग 7-7 की जोड़ी लेते हैं तो पीछे हमारे 0 एग्स बचते हैं। तो अब हम लोगों ने इसे इक्वेशन की हेल्प से पता करना है कि उस व्यापारी के पास कितने अंडे थे। तो अब हम जब इस तरह से कोई भी तो जब भी हम लोग इस तरह की कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फॉलो करते हैं। और क्या कहती है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा वो अब देखते हैं। हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कोई भी दो अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी तो उनके लिए हमेशा ही दो और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे क्यू और आर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इक्वेशन हमारी क्या है ये इक्वेशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जिसमें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या है कि अगर ए को बी से डिवाइड किया तो वो आर रिमाइंडर देगा क्यू पे और जो आर है वो या तो जीरो के इक्वल होगा या बी से छोटा होगा। हमारा जो आर है वो कभी भी बी से ग्रेटर या बी के इक्वल नहीं होगा। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 455 ये हमारा एक नंबर हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग ये वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। देखिए
455 को हमने 42 से डिवाइड किया, ठीक है जी, 42 से डिवाइड किया हमारा आ गया 1 और पीछे बच गया 35। जब हम लोगों ने 455 को 42 से डिवाइड किया तो पहले आ गया हमारा 1 42 पे, 3 हमारा रिमाइंडर आ गया 5 में से 2 काटने पे, 3 हम लोग नीचे ले आए, 3 जो है 42 से छोटा है तो हम लोगों ने दो नंबर इकट्ठे नीचे ले, तो हम लोगों ने दो नंबर इकट्ठे नीचे लेने थे इसीलिए हम लोगों ने 5 को भी नीचे ले लिया। जब दो नंबर इकट्ठे नीचे लेने होते हैं तो हम लोग जीरो लगा देते हैं अपने क्वोशेंट में, तो इस तरह से हमारा क्वोशेंट बन गया 10 और जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आया वो भी आ गया 35 जो फिर से 42 से छोटा है। तो इस तरह से जो 35 है वो हो गया हमारा रिमाइंडर। तो ये बन गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 455। अब अगर मान लीजिए हम लोग 42 को डिवीजर लेके चले तो फिर से हम लोग इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। देखिए 42 इज इक्वल टू हमारा 42 है, इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा बनेगा 35 इंटू 1 प्लस 7, 35 इंटू 1 प्लस 7। अब अगर आ गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब हम लोग 35 को डिवीजर लेके चलें तो अब हमारा बन जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। हम लोगों को ये जो स्टेप है तब तक करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब इससे हम लोगों को पता चलता है कि 455 और 42 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7 और अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये अब हम लोग अपनी थ्योरम को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 455 के कॉमन फैक्टर्स लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। सबसे छोटा नंबर आप लोग क्या सोच सकते हो, अब देखिए इसके पीछे है 5, 5 है ऑड नंबर तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं इसीलिए हम लोग सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर ले लेंगे वो है हमारा 3। तो देखिए 3 वन्स आर 3 और यहाँ से 1 इधर चला गया 15, 35 का 15 लेकिन ये 5 फिर से बच गया तो इसीलिए यहाँ पे जो है थ्री से फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हम लोग ले लेते हैं उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आ जाता है हमारे पास 5। अब हम लोग क्या करेंगे 5 से फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 9s का 45, 5 1s का 5 ये आ गया हमारा 91। अब क्या है इसको ये आ गया हमारे पास एक ऑड नंबर, अब ये जो है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा और ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ना तो ये 2 से डिवाइड होना है ना 3 से डिवाइड होना है ना 5 से डिवाइड होना है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है 7, 7 पे ये नंबर तो अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 वन का 7 और 2 इधर से बच गया, 2 इधर दिया हमारा 21 बन गया, 7 3 का 21। तो अब इसको 13 जो है किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता तो 13 वन का 13। अब हम लोग लेंगे 42, 42 और 455 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले 2 ले लेते हैं ये आ गया हमारा 21, उसके बाद 3 ले लेते हैं ये आ गया हमारा 7, 7 वन का 7। तो अब इस तरह से हम लोगों को पता चल चुका है कि 455 और 42 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 13 आ गया ये तो जी 7 से बड़ा है। हम लोग हाईएस्ट फैक्टर की नहीं 42 और 455 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 7 जो कि हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसकी एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन यही है कि इसकी हेल्प से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो थ्योरम है वो प्रूफ हो चुकी है। अगर आप लोग हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक इस वीडियो में भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और इसके अलावा आप लोग हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर फॉलो करें। आपको कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।